दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक शुरुआत की गई है। अस्पताल में आउटबॉर्न एनआईसीयू की शुरुआत से दूसरे अस्पतालों या घरों में जन्मे नवजात बच्चों को चिकित्सा सुविधा मुहैया कराई जाएगी। खास बात यह है कि नए आउटबॉर्न एनआईसीयू में नवजात के साथ उसकी माँ को भी एनआईसीयू में रहने की इजाजत होगी ताकि माँ अपने नवजात की देखभाल कर सके। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में एक अनोखा बाजार है जिसमें सिर्फ महिलाएं मार्केट चलाती हैं। इस मार्केट को मदर्स मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। महिलाएं द्वारा चलाया जाने वाला ये सबसे बड़ा मार्केट है। महिलाएं इस मार्केट में तरह तरह के सामान बेचती हैं। ये एशिया में महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला सबसे बड़ा मार्केट। बिहार के आरा जिले में एक गैराज मैकेनिक दीपू की रातोंरात करोड़पति बनने की खबर आई है। दीपू ने ऑनलाइन गेमिंग में 1.5 करोड़ की राशि जीती। दरअसल ड्रीम 11 क्रिकेट फैंटेसी ऐप पर एक गैराज मैकेनिक दीपू ने क्रिकेट टीम बनाई थी, इससे उसने 1.5 करोड़ की राशि अपने नाम की है। सीजेआई चंद्रचूड़ का बड़ा ऐलान किया गया है। अब लोगों को व्हाट्सएप पर मुकदमों की जानकारी मिलेगी। सीजेआई ने इसके लिए आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर भी साझा किया है। वहीं सीजेआई चंद्रचूड़ के इस फैसले को लेकर सॉलिसिटर जनरल ने खुशी जताई है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर दरबार में बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पहुंची, जहां उन्होंने मंदिर में परिवार के साथ विधि विधान से पूजा पाठ किया। वहीं साइना नेहवाल को देखने के लिए फैंस की भीड़ जुट गई। साथ ही फैंस ने नेहवाल के साथ सेल्फी लेने के लिए होड़ मचा दी। जूनागढ़ में वोटिंग के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक अनोखी पहल की गई है, जहां होटल मालिक ने ब्लू टिक दिखाओ और छूट पाओ की मुहिम शुरू की है, जिसमें मतदान करने वाले लोगों को होटल प्रशासन की तरफ से 7% छूट दी जाएगी। इसके लिए मतदाताओं को ब्लू टिक दिखाना होगा। उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज नामांकन भर चुकी है, जहां साक्षी महाराज ने पर्चा भरने से पहले रोड शो किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने साक्षी महाराज पर फूलों की वर्षा भी की। साथ ही जमकर आतिशबाजी हुई। साक्षी के रोड शो में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का कटआउट दिखा। जैसलमेर में बीजेपी की स्टार प्रचारक कंगना रनौत ने रोड शो किया। कंगना रनौत के रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। वहीं कंगना रनौत ने बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी के समर्थन में वहां वोट मांगे। अल्जीरिया में 4 साल बाद फिल्म फेस्टिवल की फिर शुरुआत हो चुकी है। इस फिल्म फेस्टिवल में कई फिल्मी सितारे शामिल हुए। वहीं फिल्म फेस्टिवल में युद्धग्रस्त गाजा को जोरदार समर्थन दिया गया।